जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एडवांस ऑपरेशन थिएटर ICU डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी फिजियोथेरेपी फार्मेसी शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन एम्बुलेंस तेलंगाना में रात की कर्फ्यू में मजीद एक हफ्ते की तौसी की गई। कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफे पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने 20 अप्रैल से रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू नाफिज किया था। नाइट कर्फ्यू की मुद्दत 1 मई के सुबह 5 बजे खत्म हो गई। अवाम में मुकम्मल लॉकडाउन से मुतालिक अंदेशे पाए जा रहे थे, लेकिन हुकूमत ने उन तमाम अंदेशों की नफी करते हुए एक हफ्ते के लिए नाइट कर्फ्यू में तौसी की, जिससे अवाम ने राहत की सांस ली। दिन भर तजारती सरगर्मियाँ जारी रखने की गुंजाइश फराहम की गई है। खासतौर पर रमजानुल मुबारक के मौके पर ताजरों ने महज नाइट कर्फ्यू के निफास पर इत्मीनान का इजहार किया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने नाइट कर्फ्यू में तौसी करते हुए GOMS 91 जारी किया। ताज़ा तरीन अहकाम के मुताबिक नाइट कर्फ्यू 8 मई की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। रियासत में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद लॉकडाउन के बजाय नाइट कर्फ्यू के निफास का फैसला किया गया। बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आला अहदेदारों के साथ इस मसले पर मशावरत की। बाज़ गोशों से मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ भी पेश की गई थी, ताकि अवाम की नकल व हरकत पर पाबंदी के जरिए केसेस पर कंट्रोल किया जा सके, लेकिन चीफ मिनिस्टर लॉकडाउन के हक में नहीं थे। उनका कहना है कि लॉकडाउन के निफास से गरीब और मुतवस्सित तबकात बुरी तरह मुतासर हो जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।